Press the bell icon and never miss any updates from India Forums. मुंबई में कल BCL के सारे टीम मेंबर्स बने मॉडल्स। जी हाँ, हाल ही में हुआ BCL के सारे टीम मेंबर्स का फोटोशूट। ये फोटोशूट में किए क्रिकेट के प्रॉप्स का उपयोग, जैसे कि बैट बॉल। ये टीवी सितारे आज मॉडल्स की तरह से कर रहे हैं फोटो के लिए पोज। अब तक तो सारे टीम का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, सबने अच्छा खेला। कोई कोई ने तो ऑपोजिशन टीम्स को दे दिया है चैलेंज। नाउ कम लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम देम ओनली अबाउट देयर एक्सपीरियंस एंड एक्साइटमेंट फॉर द गेम्स एंड फोटोशूट। हाय, मैं हिटेन तेजवानी और मैं कोलकाता बाबू मोशायस का कैप्टन हूँ। और हमारी जर्सी ये है, हमारा लोगो ये है और हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं। जी, सुनने में आया कि यहाँ पे फोटोशूट भी हो रहा है, तो आई थिंक वो बड़ा ही इंडियन जैसे टीम फोटोशूट करवाती है वैसी कुछ होने वाला है। सो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटेंस एंड वेरी रॉ। बहुत ही किलर रहा है और इतने किलर किलर लोग हैं हमारी टीम में कि एंटरटेनमेंट की तो हदें पार हो गई हैं। हम मैचेस तो नहीं किल कर पाए हैं, लेकिन रन अच्छे बनाए हैं हमने, बट एंटरटेनमेंट में तो हमने सबको किल कर दिया है अपने किलर एटीट्यूड से। मैं कोलकाता बाबू मोशायस टीम से हूँ और मेरी टीम हार चुकी है और मैं टीम से आउट हूँ। तो हमारी टीम ही आउट है पूरी। और अच्छा किया सबने, अच्छा खेला है और सबने अपने तरफ से बहुत कोशिश की जीतने की, लेकिन नहीं जीत पाए। लेकिन मेरा जो काम था, मैं फेस ऑफ द टीम थी और मुझे जितना एंटरटेनमेंट करना था उतना मैंने एंटरटेनमेंट अपनी तरफ से 100% से ऊपर दिया। टीम हमारी है थर्ड पोजीशन में हमारे ग्रुप में, बट आई थिंक हमारा ये वाला मैच हमें डिसाइडर मैच है, तो आई थिंक ये हम जब जीत जाएंगे तो हम सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर वो सेमीफाइनल में आ जाएंगे बेसिकली। वो जो लड़ने वाले हैं वो लड़ते हैं ऑफकोर्स, और मेरे जैसा बंदा लड़ेगा नहीं, बट यू नो इनोसेंटली वो चीज़ टैकल करेगा सिचुएशन को। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी आना ही पड़ेगा। सारे ही लकी हैं एक दूसरे के लिए एंड आई थिंक सबने खेला भी अच्छा। सिर्फ लक को यू नो क्रेडिट देना सही बात नहीं है। आई थिंक लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इतना चेयर कर रहे हैं। आई थिंक इट्स एवरीबडीज इन्वॉल्वमेंट और तभी एक टीम बनती है और तभी टीम जीतती है। किसी एक के वजह से जीतना या हारना कभी नहीं होता। सो सबको यही कहना चाहूँगा कि इसी जज्बे के साथ, इसी जोश के साथ खेलिए और मेक मी प्राउड एंड मेक श्योर मुंबई टाइगर्स विन्स द MTV BCL कप। इस बार मैं दिल्ली से खेल रही हूँ, इस बार मैं चंडीगढ़ से नहीं खेल रही हूँ, तो यस, इट्स द बेस्ट टीम आई हैव गॉट इन इट, सो आई होप वी परफॉर्म बेटर एंड गुड इन। मैं राखी सावंत हूँ और मैं माधव देवजी, और ये खतरनाक प्लेयर जो है ना, और मैं इनसे भी ज़्यादा खतरनाक प्लेयर मैं हूँ। जी बिल्कुल, बहुत खतरनाक प्लेयर हैं। क्योंकि मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और मैं विमेन को, तो हमारी टीम है जो गोवा किलर है, तो BCL में हम लोग इस बार परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छी मैच खेल रहे हैं। मतलब सब लोग को ऐसे तोड़ रहे हैं, ऐसे हरा रहे, ऐसे चौके छक्के ले रहे हैं इस बार। इस बार मैं मेल्स को ले भी रहे और दे भी रहे, दे भी रहे मतलब वही। और मेल को तो चलो ठीक है कि वो पैदा होते ही क्रिकेट खेलना उनका स्पोर्ट्स का शौक होता है, लेकिन वीमेन, आप अगर BCL का पूरा रिकॉर्ड देखें तो लड़कियां चौके छक्के मार रही है बॉस। सिर्फ उनके हाथ में आप बेलन मत दो और यू नो खाना पकाने के लिए वो सब वो भूल जाओ, उनके हाथ में बैट भी दो, बैट खेलने दो, बॉल भी दो, बॉलिंग भी दो। मैं चाहती हूँ नेशनल गेम लड़कियों के लिए भी होना चाहिए, आई स्वेयर। ऐसा है कि बहुत सारे जितने भी बिग बॉस के पार्टिसिपेंट्स थे या कंटेस्टेंट्स थे, मैं कहूँगा वो लोग भी हिस्सा हैं इस बार BCL के, तो सारा रंग है। आई थिंक वी प्लेड टू टफ टीम्स, दिल्ली इज़ अ वेरी गुड टीम, दे आर प्लेइंग वेरी वेल, ऑल आर गुड। मतलब समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या, जैसे वैसे हर टीम के सामने जब करते हैं तो एक होता है ना टारगेट होता है कि भाई ये बॉलर को टारगेट करेंगे या ये बैट्समैन को टारगेट करेंगे, तो ऐसा कोई चांस ही नहीं दिया उन्होंने। और दूसरी है चेन्नई, तो दे आर प्लेइंग वेरी वेल। एज ऑफ नाउ दिस BCL आई जस्ट फिनिश्ड, ये है, इसके बाद में एक शॉर्ट फिल्म फिनिश किया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। वेल आई थिंक इट इज़ ऑल ओवर द नेट नाउ, एवरीबडी इज कवर्ड इट, बट आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ, इट्स अ थ्रिलर एंड इट्स जस्ट इन द पोस्ट टिल नाउ, इट विल बी रेडी एनी टाइम सून, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम गोवा किलर्स टीम के साथ है, सी किलर्स, गो 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 गोवा किलर्स। गोवा इसकी फेवरेट प्लेस है, इसलिए हमने गोवा किलर्स ज्वाइन किए। देखो भाई, सीधी बात है, हमें तो सबसे बहुत प्यार मिल रहा है, एवरीवन लव्स अस एंड वी लव देम बैक, राइट। और बिग बॉस में लोगों ने हमें बहुत पसंद करा है एंड वी हैव गेन सो मच रिस्पेक्ट कि यहाँ आके ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ हुआ, जानते नहीं है, ऐसा लग रहा है कि लोग हमारे कितने पुराने दोस्त हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है।
ऐसा कुछ लड़ाई टाइप, ऐसा कुछ तड़का टाइप हुआ नहीं है इधर। सपीर से दोस्ती है, राखी से क्या, राखी अलग इंसान थोड़ी है, तो उससे भी अच्छी इंसान है, दिल की साफ है। और मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कुछ गलत ना बोले, कुछ ना करे, लेकिन कुछ भी होता था उसके बाद वो मेरे पास आ जाती थी और पूछती थी तुमको बुरा तो नहीं लगा। तो ये अच्छाई होती है इंसान की, और वो अच्छी इंसान है। हाँ बिल्कुल, मेरी दोस्ती है अच्छी अच्छी इंसान। BCL के अंदर मैं पहली बार, और दूसरी चीज़ ये क्रिकेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और तीसरी बात ये है कि मुझे एंटरटेनमेंट के लिए लाया और मैंने वो पूरा कर दिया। नॉट एट ऑल, आई थिंक एक्टर्स हैं सारे, समझते हैं एक दूसरे को, और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, वो तो जहाँ इतने सारे लोग होते हैं वहाँ थोड़ी मोटी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती ही रहती हैं। तो वी जस्ट टेक इट इन अ स्ट्राइड एंड ट्राई एंड सॉल्व इट, ताकि सब खुश रहें और खुशी से खेलेंगे तो तभी तो जीतेंगे। बर्थडे पे तो इन्होंने किया एक स्पेशल चीज़, चुपके से जाके, ये मेरे साथ रहते सारा दिन, मुझे नहीं पता ये कैसे किया चुपके से, बट चुपके से जाके ये सरप्राइज गिफ्ट लेके आए, ये रिंग मेरे लिए, जो बहुत ही स्पेशल थी। और कैसे किया ये सब कुछ पता नहीं, आप सोचोगे 24 घंटे आपके साथ रहता है और ऐसे कैसे कर लिया, दिल्ली से आपने रिंग भी मंगवा ली और जाके ले भी आए, और रात को 12 बजे मुझे गिफ्ट करी बर्थडे पे। मन में इच्छा होनी चाहिए, सब कुछ हो जाता है। और बर्थडे का प्रेजेंट हमेशा सरप्राइज ही होना चाहिए, नहीं तो प्रेजेंट का मजा ही क्या है। तो सरप्राइज तो दे दिया, बहुत छुप छुपा के कर करा के बस हो गया। वैलेंटाइन से तो हम मैच खेल रहे थे जिसमें हम हार गए, वैलेंटाइन पे हमारा फर्स्ट मैच था। नहीं वो तो इन्होंने बोला ना मैं पेरिस जाके ही करूंगा, वो नहीं करने वाले, ये चाहे कुछ हो जाए। मैं इस साल लखनऊ नवाब की तरफ से खेल रहा हूँ और हम बस एक मैच दूर है सेमीफाइनल से, तो मोस्ट ऑफली हम आज सेमीफाइनल पहुँच जाएंगे। इस साल हमारी टीम बहुत स्ट्रांग दिख रही है और हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पिछले 3 मैचेस से हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हम एकदम मतलब यूनिटी बहुत दिख रही है हमारी टीम में, तो हम डेफिनेटली दिल्ली को हरा सकते हैं इस साल। आज बहुत मस्ती होने वाली है, मैच से ज़्यादा मस्ती होने वाली है फोटोशूट में, बिकॉज आई थिंक सारी टीम्स के सारे प्लेयर्स आएंगे, सब सारे दोस्त मिलेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। आज बैटल ग्राउंड, आज फुल प्यार मोहब्बत, जो लड़ाई झगड़े हुए ना BCL में, आज सब वो शॉर्ट होने वाले हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी की किसी ने अच्छा नहीं खेला या किसी ने बहुत अच्छा खेला, इट्स सब मतलब इट वाज अ बैड डे वुड से, और बहुत सी नज़र लग गई थी हम दिल्ली ड्रैगन्स को, तो हम तो ये सोच के चले कि नज़र इतनी लग गई है तो चलो कोई बात नहीं, हम सेमीफाइनल्स में तो ही हैं, तो वी डोंट केयर एनी मच। सी क्रिकेट हैज़ ऑलवेज बीन माई फर्स्ट लव, तो मैं अगर आपको बताऊँ तो आई वॉज अ नेशनल क्रिकेटर अंडर 16, आई प्लेड फॉर पंजाब, सो क्रिकेट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू मी एंड दैट्स माई फर्स्ट लव, एंड आई मेक श्योर कि क्रिकेट कहीं भी हो रहा हो, चाहे BCL हो रहा हो, चाहे मेरी गली में नीचे हो रहा हो, चाहे मेरी बिल्डिंग के नीचे हो रहा हो, मैं हमेशा खेलता हूँ। खाली एक ही मैच हमने हारा है और वो भी हमने अपनी गलती की वजह से हारा है, हमारे बॉलर्स थोड़े फॉर्म में नहीं थे और हमने 12 नो बॉल दिए हैं जिसपे 12 फ्रीड हमने दूसरी टीम को दिए, तो हमने वो मैच दूसरी टीम को सजा के दिया। प्रेशर है लेकिन वो प्रेशर में मज़ा भी बहुत आता है, सो आई एम लविंग दिस प्रेशर, और लकीली मैंने अपनी टीम को अच्छे से खेला है और उनको मैं आगे लेके चल रहा हूँ। खाली एक मैच हमारा थोड़ा सा गड़बड़ा है, बट बाकी इज ऑल गुड। नथिंग, आई जस्ट वांट टू टेल ऑल द फैंस दैट ज़रूर इस बार MTV BCL देखेगा, क्योंकि आपके चाहिए थे एक्टर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, और बहुत सारे एंटरटेनमेंट फैक्टर्स हैं हमारे इसका सब टीम्स को मिलाकर, तो आई एम श्योर कि आप सबको बहुत मज़ा आएगा। Hi, this is Hiten, Tejwani, and you're watching me on India Forums. Keep watching. We hope you guys enjoyed the interaction with your favorite stars. Don't forget to subscribe to India Forums. Ashima Chavra, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.